साथियों और यहां उपस्थित सभी मान्यवर, आप सभी को खुशी का जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं मेरे गुरुजी आदरणीय वैद्य जी की, जिन्होंने मुझे हमेशा बेटी की तरह माना और राजनीति में मुझे कुछ टिप्पणियां दी, जिनके सिफारिश से मुझे इस पद के लिए चुना गया। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहावत तो सुनी होगी आप सभी ने कि कीचड़ उसी पे उछाला जाता है जो मशहूर होता है, जो आगे बढ़ रहा हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। खैर छोड़िए इन बातों को, कुछ काम की बात करते हैं। मेरे लिए पूना शहर मेरा अपना परिवार है। मैं पूना शहर की प्रथम नागरिक हूं और जैसा कि मैंने कहा कि यहां पे रहने वाला हर एक निवासी, मेरा हर एक मतदार मेरा परिवार है। आप सभी की समस्याओं का निवारण निकालने के लिए ही तो मुझे इस पद पर बिठाया गया है, जिसके लिए मैंने आप सभी से 10 दिन का समय मांगा है। शहर के विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, खड्डों की समस्या, कचरे का वितरण, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है, इनका हल हम जरूर निकालेंगे, क्योंकि आप, मैं और मेरी पूरी टीम इन समस्याओं पर मिलकर काम करेगी। खैर आप सभी का बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस इतना ही कहूंगी कि ठीक 10 दिन बाद, आज ही के दिन, इसी जगह, इसी समय विकास के कार्यों के लेखा जोखा के साथ दोबारा हम सब मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय महाराष्ट्र।